नॉर्मल इडली तो आप सभी ने खाई होगी। क्या कभी आपने देसी घी वाली मिनी इडली खाई है? नहीं खाई तो आज मैं आपको लेकर आ गया आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में, जहाँ पे एक आंटी लगाती है देसी घी वाली मिनी इडली। इसको खाने के लिए गुंटूर ही नहीं, गुंटूर के बाहर के लोग भी आते हैं। तो चलिए चलते हैं, इनकी इडली बनाने का प्रोसेस देखते हैं और इनकी देसी घी वाली मिनी इडली टेस्ट करते हैं। तो आज हम आ गए आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में और आज यहाँ पे लगाएंगे मिनी देसी घी वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रे में हमारी मिनी इडली लगाई जा रही है। तो देख सकते हो एक एक करके यहाँ पे ट्रे पे इडली को सेट किया जा रहा है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे इडली लगाई जा रही है। ये बैटर किस चीज़ कर रहे थे आंटी? राइस राइस कर रहे थे। हाँ, रवा रवा का, तो रवा का इनका बैटर रहता है। तो देख सकते हो पांच ट्रे हमारी यहाँ पे मिनी इडली की रेडी हो चुकी है। अब इसको स्टीम में डाला जाएगा तो 10 से 15 मिनट में हमारी मिनी इडली लग के रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे आंटी जी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे मिनी इडली लगा रहे हैं। तो मिनी इडली की हमारी यहाँ पे ट्रे लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको स्टीम में डाला जाएगा, एक एक करके यहाँ पे पांचों ट्रे को स्टीमर के अंदर डाला जाएगा और यहाँ पे इडली को रेडी किया जाएगा। तो कैसे आइडिया है मिनी इडली लगाने का, वो भी देसी घी के साथ? अंदी चोटा इडली दी चोटा इडली बैठे अन्य। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी मिनी इडली लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको स्टीम से यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो एक एक करके ट्रे को देख सकते हो यहाँ से निकाला जा रहा है। तो हमारी पांच की पांच ट्रे जो हमने रेडी की थी वो इसमें से निकाल ली जाएगी। तो फाइनली देख सकते हो हमारी यहाँ पे मिनी इडली बन के आ चुकी है। अब इसको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो स्टाइल देख सकते हो यहाँ पे निकालने का, पानी छिड़क के देख सकते हो हमारी इडली को यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो एक ट्रे में हमारी 40 से 50 इडली रहती है और देख सकते हो हमारी 100 इडली यहाँ पे लगा के रेडी कर ली गई है। एकदम बढ़िया तरीके से हमारी मिनी इडली लग के रेडी हो चुकी है, जो हमने मिनी इडली रेडी की थी। अब इसको यहाँ पे थोड़ा स्टोर कर लिया जाएगा। हरिगोपाल ओनर गारु मेन हेड पेद आयन। तो देख सकते हमारी यहाँ पे घी वाली मिनी इडली यहाँ पे लगने जा रही है, जो कि गुंटूर में बहुत ज्यादा फेमस है। पत्ते के ऊपर इसको लगाया जाता है। एक प्लेट में कितना इडली आता है? 10 इडली। एक प्लेट में यहाँ पे 10 पीस मिनी इडली के आते हैं और 40 रुपए की रहती है। 40 रुपए। तो आप देख सकते हो उंगली से इसमें छेद किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे डाला जा रहा है मसाला। मिर्ची मसाला चटनी यागी नारियल की चटनी अल्लम रेड चटनी अदरक और ये आगे इनका सबसे स्पेशल देसी घी। तो इडली तो हमने बहुत खाई होगी बट पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पे देसी घी वाले मिनी इडली लगाई जा रही है, जो कि गुंटूर में लोग बहुत पसंद करते हैं। क्या क्या मिल जाता है यहाँ पे? मन दग्गर इडली दोसा, उपमा दोसा, टाइगर दोसा, आनियन दोसा, ओतप्पम, सेट दोसा, पुलिपोंगड़म। तो फाइनली गुंटूर की फेमस देसी घी वाली मिनी इडली यहाँ पे लग के रेडी हो चुकी है। तो देख सकते हो बहुत ही छोटी छोटी यहाँ पे इन्होंने इडली लगाई है, 10 पीस रहते हैं और 40 रुपए की आपको मिल जाएगी। ऊपर से देख सकते हो इन्होंने मिर्ची का मसाला डाला हुआ है, देसी घी डाला हुआ है, साथ में दी है कोकोनट चटनी और अदरक की चटनी। तो चलिए चलते हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ देसी घी वाली इडली, तो उसको कोकोनट चटनी टेस्ट कर लेंगे। इनकी इडली जो है बहुत ही सॉफ्ट है, ऊपर से जो इन्होंने मसाला डाला है देसी घी डाला है उसके साथ चटनी का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है। शॉप की टाइमिंग क्या रहती है? मॉर्निंग 6:30 ओपनिंग, 11:30 क्लोज, इवनिंग 4:30 ओपनिंग, नाइट 1 बजे। और वीक में कितने दिन ओपन रहता है ये? 360 रोज ओपन, डेली ओपन, डेली। और शॉप का नाम और एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे है गुंटूर में? भवानी शंकर टिफिन सेंटर, माया बाजार, HP पेट्रोल पंप पकना, गुंटूर। तो अगर आप भी गुंटूर में रहते हो, विजिट करें और बढ़िया सी मिनी इडली घी वाली खाना चाहते हो तो भवानी शंकर टिफिन सेंटर में आके इसको टेस्ट कर सकते हो। आपको जरूर ये पसंद आएगी और 40 रुपए में 10 इडली आपको खाने को मिल जाएगी। तो आप पेट भर के यहाँ पे इडली खा सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।